हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, आज की जो वीडियो है, इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शो यू दी CCI स्ट्रेटजी ऑफ ओलिम्प्ट्रेड। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इससे पहले द सेम स्ट्रेटजी पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं बैनमो के ऊपर। नहीं देखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन काफी सारे यूजर्स ने, काफी सारे व्यूअर्स ने क्वेरी की थी कि सर वो जो स्ट्रैटेजी है क्या हम ओलिम्प्ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पैरामीटर्स इन द सेंस, लास्ट पीरियड में वो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड सेम इस वीडियो में रहेगा या नहीं रहेगा ओलिम्प्ट्रेड के साथ, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है वो ये कि जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में इंडिकेशन जो लास्ट बायनोमो के साथ था, वो सेम इंडिकेशन क्या हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं ओलिम्प्ट्रेड के साथ। ये दो चीज़ें मेनली फोकस की गई इस वीडियो के अंदर, तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटजी है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक और पहले नोटिस देना चाहूँगा या फिर बोलना चाहूँगा या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो किसका वेट कर रहे हो यार, फ्री है, अभी कर दो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दूसरी, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरी और फाइनल बात, वीडियो को लाइक करो और आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं समझ आ रहा कि कहां से आपको हेल्प मिलने वाली है, कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको बताएगी बिगिनर से एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, तो भैया स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं टिकट ऐप, डाउनलोड कर लेना है आपको प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। अब बताते हैं यार, ये एप्लीकेशन आपको हेल्प कैसे करने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का कितना बड़ा रोल होता है। ये एप्लीकेशन उसी में ही आपको हेल्प करने वाली है कि कौन से प्राइजेस पे आपको शेयर्स बाय करने हैं और कौन से प्राइजेस पे, कौन से राइट टाइम पे वो जो शेयर्स हैं वो सेल करने हैं, तो ये उसी में हेल्प करती है। दूसरा जिसका सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है, वो लगता है MMI का, यानी मार्केट मूड इंडेक्स का, जो आप इसके प्रो पैक में ले सकते हैं। यानी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद ये जो फीचर है आप अनलॉक करा सकते हैं। यहाँ पर आप मार्केट की कंडीशंस को समझ सकते हैं कि फिलहाल जो बायर्स ज़्यादा हैं या फिर सेलर ज़्यादा हैं, किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है मार्केट पे, एंड आपको क्या करना है। चार इंडिकेटर बेसिस पे आप ये चीजें कर सकते हैं। प्लस आप अगर इनके मेन स्क्रीन पे जाएंगे तो लर्निंग का भी एक ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, स्टॉक्स और स्क्रीनर का भी है। ये सारे फीचर्स आपको अनलॉक होते हैं इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर, हेल्पफुल है। देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, आप अभी हैं मेरे लाइव अकाउंट के साथ, और ये जो अकाउंट है ये मेरा अकाउंट है, लॉगिन है, देख सकते हैं आप। तो आप हैं अभी लाइव अकाउंट के साथ, और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ लाइव अकाउंट में ट्रेड भी लेंगे हम, थोड़ा प्रॉफिट भी लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, और जो है आपको दिखाने वाला हूँ स्ट्रैटजी। तो सबसे पहले आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न सेट कर लेना है, टाइम जो है ग्राफ का वो 1 मिनट सेट कर लेना है, फिर जाना है आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आपको स्क्रोल डाउन करना है, यहाँ पर मिलेगा आपको CCI की स्ट्रैटजी। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस स्ट्रैटजी में करना क्या है, देखिए बिल्कुल सेम नहीं रखनी है आपको, कस्टमाइज करना है आपको। तो ये पेंसिल का निशान आ रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 20 का जो टाइम पीरियड है इसको 30 कर देना है। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछेंगे, भैया सेम तो आपने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो बिल्कुल, ये जो रिजल्ट है ना, क्योंकि यार देखो ऑल ओवर वर्ल्ड ना जो ग्राफ होते हैं ना, ये बाइनरी एप्लीकेशन के जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स होते हैं वो सारे सेम रहते हैं यार दोस्तों। तो मतलब ये रहता है ना, ग्राफ में चेंजेस नहीं आते, स्ट्रैटजी में चेंजेस, प्लेटफॉर्म वाइज चेंजेस नहीं आते, लेकिन जो इंडिकेशन है ना उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आता है। तो इंडिकेशन की बात अभी करेंगे हम, कैसे हम इंडिकेशन लेंगे, ठीक है। कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना चाहते तो मत करो, इट्स अप टू यू गाइस। अब बात करेंगे बैनमो की यार। तो बैनमो में जो स्ट्रैटजी मैंने आपको डिस्कस की थी ना, उसमें इंडिकेशन काफ़ी अच्छे से हम समझ सकते थे या समझ पा रहे थे, बट ओलिम्प्ट्रेड के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो CCI यूज़ ही नहीं करेंगे ओलिम्प के अंदर, क्योंकि यार इंडिकेशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्ट्रैटजी पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, पहले हमने क्या किया, टाइम पीरियड जो है वो 30 का सेलेक्ट कर लिया है। अब 30 का टाइम पीरियड सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक रनिंग सिनेरियो मिल रहा होगा, 62, कभी 63 जाएगा, फिर 64 जाएगा, फिर ऐसा ऊपर नीचे हो रहा होगा। देखिए अभी यहाँ पे 63 हो गया, तो ये ना करंट कंडीशन को, जो अभी करंट कैंडल है उसकी पोजीशन को बता रहा है कि अभी यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ट के या पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से क्या इंडिकेशंस हैं, ठीक है। अब अगर बैनमो की बात करते हैं ना, तो ये जो सेम चीज़ है ना, ये जो हमें इंडिकेशन मिला था, ये इंडिकेशन यहाँ पे ना यहाँ पे मिला था, मतलब मिलता है
बायनमो के साथ, लेकिन ओलिम्प ट्रेड में यहाँ पर मिलता है। बायनमो की बात करते हैं तो बायनमो में यहाँ पे देखोगे एक माउंटेन आपको मिलता है, जिसको देख के हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ मिनट तक मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। लेकिन अगर सेम बात करते हैं ओलिम्प ट्रेड पे, तो यहाँ पे हमें कोई माउंटेन नहीं मिलता। तो यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा ओलिम्प को, यार जो है अगर कंपैरिजन करूँ ना दोनों का, तो कंपैरिजन में सीसीआई स्ट्रेटजी की बात करते हैं, मैं प्लेटफॉर्म का कंफर्म जो कंपैरिजन है वो नहीं कर रहा हूँ, सीसीआई स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो ओलिम्प कहीं ना कहीं मार खा गया यार। मतलब एक या दो नंबर की बात करता हूँ तो वो ज़्यादा मिलेंगे बायनमो को, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने इम्प्लीमेंट की है दिखाने के लिए, यूज़र इंटरेक्टिव बोल सकते हैं हम। लेकिन अगर यूज़र इंटरेक्टिव इंटरफेस की बात करते हैं ऑल ओवर प्लेटफॉर्म्स का, तो वहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्लाइटली एडवांटेज है ओलिम्प ट्रेड को ओवर बायनमो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम करेंसी चेंज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं अगर नेट अच्छा चलता है तो। देखिए यहाँ पे और JPY को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, 90% का प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है। एक चीज़ अभी बताना चाहूँगा गाइज, अगर ये स्ट्रैटजी हम यूज़ करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट लेके जाएंगे। पहले भी बता चुका हूँ हर एक स्ट्रैटजी जो भी आप यूज़ करते हो ना, लाइक बाकी की नहीं बात कर सकते लेकिन CCI की बात करते हैं, तो CCI में आपको विनिंग के जो चांसेस हैं वो हैं 50%। यानी अगर आप चार ट्रेड लेते हो तो दो ट्रेड आपके चांसेस हैं जीतने के। लेकिन एक चीज़ और बता दूं यार, आपको सुनने में थोड़ा लग रहा होगा कि भैया अगर दो ही ट्रेड जीतेंगे चार में से तो क्या फ़ायदा स्ट्रैटजी का, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप मार्टिकल को यूज़ करोगे और ये स्ट्रैटजी यूज़ करोगे, मार्टिकल प्लस दिस स्ट्रैटजी, क्या डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन जो मुश्किल से मिलेगा, लाइक अगर बाकी सारे स्ट्रैटजी यूज़ करते हो वहाँ कोई कन्फर्मेशन नहीं होता, या फिर कन्फर्मेशन होता भी है तो मार्टिकल काफ़ी लंबे तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता ही है, जब आप चार में से दो ट्रेड जीतोगे तो आप अच्छे खासे मार्टिकल से अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। हाँ, वर्स्ट कंडीशन सिनेरियो को छोड़ के, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, डिस्क्लेमर की बात यार मैं हमेशा से करता हूँ और आज भूल गया, लेकिन अभी कर देते हैं। यार ट्रेडिंग जो होती है ना, रिस्क इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। ठीक है, तो सोच समझ के ही पैसा अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया करो। तो यहाँ पे वो पैसा आप कभी मत इन्वेस्ट करो जो आपके डेली यूज़ का है, या फिर ऐसा पैसा है जिसको खो देने के डर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी फाइनेंशियली उठानी पड़ सकती है। तो यही चीज़ मैं आपको हमेशा से कहता हूँ और अब कहता भी रहूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे यार और JPY में, अब देखो यहाँ पे इंडिकेशन की बात करते हैं, तो कैसे इंडिकेशन मिलेगा, देखिए समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको कोई भी क्लाउड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी माउंटेन नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही ये ग्रीन कलर की लाइन, जैसे ही ये ग्रीन कलर की लाइन इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी है। सोच ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे, यानी कि ये देखो यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। जैसे ही आपको थोड़ा सा नीचे दिखेगा, और वो भी एक मिनट की नहीं, आपको ट्रेड लेनी है दो मिनट की। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनना है आपको, दो मिनट की ट्रेड लेनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही आपको थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिख जाता है, देखो यहाँ पे नहीं लेनी है, सोचना समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको वेट करना है। ठीक है, वेट करना है जब तक ये नीचे नहीं चला जाता इस लाइन से। देखो यहाँ पे नीचे गया, ट्रेड ले लिया आपने, विन कर जाओगे। अब आप विन तो कर गए, लेकिन अब क्या करना है आपको, अब जो है देखो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी थी, जैसे ही नीचे जाएगा आपको ट्रेड लेनी, यहाँ भी नहीं लेनी है, जैसे ही नीचे जाएगा तब आपको ट्रेड लेनी है। समझने की कोशिश, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है ऐसा ही सेम इंडिकेशन आपको मिलेगा नीचे से ऊपर जाते हुए। जब ये नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी -100 से नीचे की पैरामीटर पे चला जाएगा, और फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इस लाइन को क्रॉस करते ही, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर क्रॉस करेगा, आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है। अब काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार टेक्निकल अभी यूट्यूब चैनल है, बंदा है, प्रोफेशनल है, उसके बाद भी इतनी आसान भाषा में समझा रहा है, कोई टेक्निकल टर्म्स इसने यूज़ नहीं किया है, या फिर काफ़ी सारे लोग गंवार समझ रहे होंगे। तो भैया उन लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा मोटिव यही रहता है कि आप अगर समझदार हैं, आप समझ सकते हैं टेक्निकल टर्म्स को, फंडामेंटल एनालिसिस को, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं समझ सकते ना, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझ पाते, तो उन लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी ईजी लैंग्वेज में लेके आने के लिए। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग। तो अभी यहाँ पे देखिए इस करेंसी पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है, तो अभी हम स्वाइप करेंगे यूरो JPY के साथ। यार देखो यहाँ पे सिग्नल था, बट वी जस्ट लाइक लीव दैट, हमने वो जो है मिस कर दिया वो सिग्नल।
देखो यहाँ पे भी कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि सारे ग्राउंड सारे जो मार्केट हैं सब अप ट्रेंड पे हैं, सब अप ट्रेंड पे चल रहे हैं। अगर फॉरेक्स की बात करते हैं तो सारे के सारे अप ट्रेंड पे हैं अभी फिलहाल। तो अब जो है ओके ओके गॉट इट गॉट इट। देखिए हमें सिग्नल शायद मिल सकता है लेकिन नहीं। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी कंडीशन हमारे पास आप सामने डिस्क्राइब हो रही है। देखिए ये जो चार ये जो लाइन है ये लाइन इसको क्रॉस कर देती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही इसको क्रॉस कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं, और जैसे ही इसको क्रॉस कर देती है अपवर्ड डायरेक्शन में तो हम अपवर्ड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है अभी देखो इसने क्रॉस किया नहीं है, अब हमें वेट करना भी मुझे नहीं लगता सही है क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। तो हम पूरी की पूरी इंडिकेशन पर जाएंगे थोड़ा सा इसको ओके ओके थोड़ा सा देखते हैं ओके थोड़ा सा और वेट करेंगे। अगर हमें लगता है कि ये थोड़ा सा भी क्रॉस करने वाला है तो 2 मिनट मैंने टाइम सेट कर दिया है 2 मिनट्स एंड देन विल गो फॉर द सेम डायरेक्शन। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। थोड़ा सा और सब्र कर लो यार गाइस, थोड़ा सा और वेट कर लो। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड अगर आप अच्छे से सीख के लेना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके तो मुझे लगता है वो वर्थ है आप लोगों के लिए, लर्निंग वर्थ है। ठीक है तो एक चीज़ मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप जो है अगर जैसे मैं $200 की ट्रेड ले रहा हूँ ठीक है, अगर आप जो है कम की भी ट्रेड लो यहाँ पे देखो पहली बात तो आपको हमेशा छोटी ट्रेड लेनी है, बड़ी ट्रेड कभी नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा देखो यार वो क्रॉस कर गया यार शिट। एक्चुअली क्या है गाइज कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है मेरी यार, यहाँ पे आज के दिन ही अब देखो मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है लेकिन अभी सिस्टम में वो चीज़ प्लेस ही नहीं हुई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है स्लो हो गई है। और यार गाइस ड्यूरिंग दी लॉकडाउन ना, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना इसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है मुझे, काफ़ी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जिस एरिया में अभी मैं फ़िलहाल हूँ वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है गाइस, लाइक बहुत सारे यहाँ से बहुत नियर बाय प्लेसेस पे बहुत एक्टिव सारे एक्टिव केसेस हैं। घर से बाहर नहीं निकल सकते शूट के लिए या फिर कोई भी और किसी भी बात के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते, लाइक थोड़ा सा भी घर से बाहर नहीं निकल सकते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। और इस वजह से इंटरनेट भी ना इस एरिया में काफ़ी स्लो कर दिया है लोगों ने, पता नहीं क्यों बट मुझे नहीं लगता था कि इंटरनेट पे कोई असर पड़ने वाला है लेकिन वो भी काफ़ी स्लो कर दिया। देखिए यार हमने एंट्री पॉइंट बहुत बुरी तरीके से मिस किया है, यहाँ पे एंट्री लेनी थी लेकिन यार ये जो प्रॉब्लम हुई ना इंटरनेट कनेक्टिविटी की जिसकी वजह से सीधा एंट्री हमें मिली यहाँ पे जाके यार मुझे लगता है हाँ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी और यहाँ पे एंट्री मिली है यार ओके यहाँ पे एंट्री मिली है हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओके कोई बात नहीं जो होगा देखते हैं। अभी तो फिलहाल अब मार्केट जो है अप ट्रेंड पे जाने लग गया है, अगर हम यहाँ पे लेते तो प्रॉफिट में जाते ही जाते, कोई ऑप्शन नहीं था लाइक हम प्रॉफिट लेके ही जाते। लेकिन अब जो है अब मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। तो ट्रेड्स पे जाते हैं ट्रेड्स पे, तो यहाँ पे आज का दिन ही थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अभी 20 सेकेंड ही बचे हैं हमारे पास सिर्फ, तो मुझे नहीं लगता जाने वाला है। तो मैं अभी जो है 200 की जगह 400 जो है इन्वेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि लॉस में तो नहीं रहेंगे यार, प्रॉफिट तो करके जाएंगे चाहे मार्केट ख़राब हो चाहे इंडिकेशन नहीं मिल रहा हो कुछ भी हो, लेकिन लॉस तो नहीं अफोर्ड रखेंगे, लॉस में तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा और वेट करेंगे इस लाइन का क्रॉस करने का और फिर जो है हम अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस करेंगे, और मुझे लगता है ये परफेक्ट टाइम है। तो मैंने प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड और हमारी इन्वेस्टमेंट है दिस टाइम $400। अब देखो वाह वाह, लाइक इसको बोल सकते हैं किसी की किस्मत खराब हो सकती है तो कितनी खराब हो सकती है। देखिए अभी हमने प्लेस की और अभी ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं लेट्स सी ओके लेट्स सी हमारे इंडिकेशन के हिसाब से जाएगा, अभी नहीं जाएगा तो देखा हमें 4 में से 2 ट्रेड जीतनी जीतने का प्रॉमिस किया है। पहली ट्रेड जो है हम लॉस कर गए अनफॉर्चुनेटली, दूसरी ट्रेड देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमारे पास लगभग लगभग 1.5 मिनट के आसपास टाइम बचा होगा, लेट्स सी। सो गाइज देखिए यार यही होता है जब बहुत सारे लोग हैं इससे रिलेटेड, यार एक क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आया जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि सर कई बार क्या होता है ना हमारा जो है सपोर्ट नहीं करता है सिस्टम, लाइक कई बार हम जो ट्रेड प्लेस करते हैं वो कई देर बाद प्लेस होती है, या ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इवन काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि IQ ऑप्शन हो गया या ओलिम्प ट्रेड हो गया, ये जो ट्रेड हम इसमें प्लेस कर रहे हैं वो काफ़ी देर बाद जो है वो प्लेस हो रही है। बिल्कुल आप लोगों की क्वेरीज जस्टिफाइड है,
बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों को, और मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यार गाइज ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है। पता नहीं कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स में इनमें थोड़ा शायद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी, बट एज सून एज पॉसिबल ये प्लेटफॉर्म वाले उनको सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, तो देखो यार गाइज यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, एंट्री पॉइंट मिस किया था, अगर मिस नहीं करते तो शायद वो ट्रेड विन कर जाते शायद। और यहाँ पे हमने जो है एंट्री ली थी, यहाँ के आसपास ली थी एंट्री, और मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। पता नहीं कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ग्राफ अटक जाता है यार पूरा ये। ठीक है, देख रहे हो गाइज यार ये $5,000 की ट्रेड जो लॉस की थी 5 अप्रैल को, आपने नहीं देखी वो वीडियो तो भी देख सकते हैं आप अगर आपने नहीं देखी है तो। यार भैया हमें प्रॉफिट हो गया है $348 का। ठीक है, $348 का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि $200 हमने लास्ट ट्रेड पे इन्वेस्ट किए थे तो $148 का प्रॉफिट, यानी लगभग लगभग ₹10,000 का प्रॉफिट हमने कर लिया है, लगभग लगभग 10 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो स्ट्रैटजी है 4 में से 2 ट्रेड आपको जिता के ही देती है, फ़ायदा उठाओ स्ट्रैटजी का, अच्छे से यूज़ करो, लेकिन कभी भी बड़ी ट्रेड में मत इन्वेस्ट करो, छोटी छोटी ट्रेड लो और यार इन्जॉय करो ट्रेडिंग को ना, अच्छे अच्छे से इन्जॉय करके करो, प्रेशर मत लो दिमाग पे, टेंशन मत लो, तभी जाके आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। यार गाइज उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी आपको, लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब आपने अभी तक कर दिया होगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए होंगे। गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।